मैं सौरव पांडे आपका मैथ के डाउट सेशन में स्वागत करता हूँ। ये पिछले वीडियो का डाउट सेशन है जो अभी हमने जस्ट पिछला वीडियो देखा एक्सपोनेंट एंड पावर का, उसमें एक दो बच्चों का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने कहा कि फिर से इसे तुरंत उनके डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो हमारा जो पहला बच्चा है उसका नाम है रिया चौरसिया, रिया चौरसिया जी हैं, उनका एक क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें डाउट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है और किसका निकालना है? 2 की पावर -3। पहले देख लेते हैं हम फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, चलिए ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव किसी भी नंबर का, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी नंबर का, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 की, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए। तो हम कहेंगे कि सर कहेंगे कि बेटा आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर 1 आ जाएगा। कहेंगे, कहोगे कैसे, चलो ठीक है देखते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 2/2 आ गया, 2/2 आ गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, आ गया ना 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का क्या हो गया, 1/2। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ये 1/2। और 1/2 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 को इसकी पावर 1 है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगा 1/2 तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव 1 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ, 2 की पावर -1। तो ये हुआ ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 की पावर -1। ये तो इतना समझ में आया होगा ना। चलिए ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं ये अपने क्वेश्चन पे जो आपका डाउट था, एक मिनट इसे हटा देते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करना मतलब सीधे सीधे ये नंबर जो है इसको 1/1 में करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई सामने का, एक मिनट पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ, ये जो है इसका मल्टीप्लाई सामने वाले में होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके सामने होगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ये तो सबको पता है ये चीज़ें। चलिए ठीक है, हाँ, तो जब 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1 होगा कितना होगा, 2 की पावर -3, और अपान में ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 2 की पावर -3, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, 1 तो आ रहा है ना, 1 दिख रहा है आपको, सॉल्व करने आ रहा है। तो इसका पूछ लिया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यही है ना, यही नंबर तो हमने मल्टीप्लाई किया है 1 लाने के लिए, यही नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है 1 लाने के लिए। ये तो आपका क्वेश्चन ही था, यही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है 1 लाने के लिए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 की पावर -3। हाँ, तो ऑप्शन में आपको ये दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, इसको और सिंपल वे में कर लेते हैं, 1/2 की पावर -3। इसको और क्या लिख सकते हैं, इधर नीचे पावर माइनस है ना, जब देखो पावर अपान में होती, माइनस होगी तो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, पावर प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर माइनस है ना, तो इसे जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3, यही इसका आंसर हो गया, 2 की पावर 3, यही आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, ये देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया था। तो हमें क्या करना था, 1 लाना था, ऐसे नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से ये बात आप दिमाग में डाल लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, वही नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर -3, वही नंबर से हम डिवाइड में कर दिए, मतलब अपान में मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया आपका, ये 1 आ गया। तो देखते हैं इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हुआ, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू ये सामने देखो 2 की पावर -3 हुआ, और यहाँ पे 2 की पावर -3
मल्टीप्लाई वन है तो यहाँ पे भी टू की पावर माइनस थ्री हुआ। अब इसे आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे क्या गया, वन आ गया, वन आ गया। तो ये नंबर, यही नंबर तो हमने मल्टीप्लाई किया था, यही नंबर मल्टीप्लाई किया गया तो यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, वन अपान टू की पावर माइनस थ्री था तो इसे इक्वल करेंगे, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो टू की पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव में थ्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो एक आपको हमने फॉर्मूला बताया था, किसी की पावर, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर एक्स है, इसकी पावर माइनस एन है, एक्स की पावर माइनस वन है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, वन अपान एक्स की पावर प्लस एन, ठीक है, एक्स वन अपान एक्स की पावर प्लस एन। तो यही चीज़ की गई है यहाँ पे, देखो पहले से वन अपान में है तो ये पहले से वन अपान में है तो इसे हम इस टर्म में चेंज कर लिए, यहाँ पे देखो पहले से था इसको ऐसे कर लिए। तो चीज़ें सीधा उल्टा दोनों तरफ याद रखो, ये मैथ ऐसे फंसाता है, कभी कभी चीज़ों को उल्टा कर देता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, हाँ अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगला जो हमारा कमेंट आया था, डाउट आया था, वो आरती उपाध्याय जी थी, उनका डाउट था, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते, हाँ ठीक है, आरती उपाध्याय जी थी, वो क्वेश्चन पूछ रहे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन उनका क्या है, फाइव की पावर माइनस टू, माइनस फाइव की पावर टू, इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा आप देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे दिखाया जाता है, अभी अभी जो दिखाया जा रहा है, तो उस पर आप क्वेश्चन आप लिख के भेजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में फिर से आपको इसका डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका था, फाइव की पावर टू और ये क्या है, कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई, माइनस फाइव की पावर टू, ये क्या होगा, शायद यही क्वेश्चन हो आपका। चलिए ठीक है, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, सर यही क्वेश्चन था, आ गया हमको समझ में। अगर नहीं होगा तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है आपको, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे हम आपको आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकें। चलिए ठीक है, एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा वाइट कर लेते हैं, चलिए ठीक, पेन का कलर ब्लू, अब मज़ा आए। लो फाइव का क्या था, फाइव की पावर टू थी, मल्टीप्लाई माइनस फाइव की पावर टू, तो क्या होगा, फाइव की पावर टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव की पावर टू, इसका आंसर आप सर हमको बता दीजिए क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको फार्मूला बताया था ना, ये बताया था आपको कि अगर एक्स की पावर एम है मल्टीप्लाई वाई की पावर एन है, सॉरी एम है, तो क्या होती हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये होता है ना एक्स मल्टीप्लाई की होल पावर एम, यहाँ पे क्या है, बेस आपका से अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। देखो माइनस लग गया तो नंबर में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये अलग हो गया। चलो ठीक है, तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे देखते हैं। देखते हैं, फाइव की पावर टू है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, ये देखिए यहाँ पे बेस आपका सेम है, पावर सॉरी बेस अलग अलग है, यहाँ पे प्लस फाइव है, यहाँ पे माइनस फाइव, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई माइनस का फाइव, ठीक है, इसका होल पावर टू, ये वाला ब्रैकेट आप लगा लो, इसका होल पावर टू, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम फाइव का मल्टीप्लाई माइनस फाइव में करते हैं, फाइव का मल्टीप्लाई माइनस फाइव में करते हैं तो क्या होगा, फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव, प्लस माइनस होगा, मतलब माइनस ट्वेंटी फाइव का पावर कितना, टू, माइनस ट्वेंटी फाइव का पावर टू, ये आपका आंसर होना। और इसको सिंपल कर लें, ये अंदर क्या लिखा है माइनस को अगर हम बाहर ले लें यहाँ पे, चलो ठीक है, ये अंदर क्या लिखा है देखते हैं इसे,
अंदर क्या लिखा है, माई 25, 25 है ना, 25 को 5 × 5 कर सकते हैं ऐसे, माइनस का 5 × 5 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, लिखिए ऐसे। ऐसे लिखने के बाद ऐसे आपने लिख लिया इसे, अब इसको क्या करेंगे, ये आपको बताया था एक्स की पावर एम की पावर एन, तो एक्स की पावर कितना होगा, एक्स की पावर एम एन होगा, ये तो बताया था ना, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करना है, ये 5 की पावर यहाँ पे 2 नहीं है अभी, ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया फिर भी 2 नहीं होगा अभी। चलो अब ये 2 बार मल्टीप्लाई है ना, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या कर लेंगे, -5 की पावर 2 की होल पावर 2। अब ये वाला यहाँ से फार्मूला लग गया, यहाँ पे फार्मूला लग गया माइनस माइनस 5 की पावर 4, -5 की पावर 4 यही आपका आंसर हो गया। हाँ, इसकी पावर जो है 4 है, तो अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे आप 5 की पावर 4 कर लो, बात एक ही है, लेकिन यही आपका यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट व्हाट्सएप वाले नंबर पे, आप अगर कोई क्वेश्चन दूसरा रहा होगा तो आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एक चीज़ हमारे दिमाग में और आई है, कुछ बच्चों का ये भी डाउट हो सकता है, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक मिनट, एक चीज़ और हमारे मन में आई है कि कुछ बच्चों का डाउट भी हो सकता है, क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था। पावर का क्वेश्चन था, जैसे आपको बताया गया था 3 की पावर m, क्वेश्चन नंबर शायद 23 ऐसे कुछ रहा होगा, क्वेश्चन 3 की पावर m, 3 की पावर -3 इक्वल्स टू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो इसमें m की वैल्यू हम सिंपल में क्या सिंपली क्या करते थे, m की वैल्यू देखो, बेस को सेम करके पावर को, बेस को सेम करके पावर को भी इक्वल कर लेते थे और इक्वल करके निकाल लेते थे। अभी एक चीज़ और आपके मन में डाउट बन सकता है, एक डाउट और आ सकता है आपके अंदर कि सर अगर यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे आपके मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3, 2 छोड़ो, एम कर दो यहाँ पे, ये क्वेश्चन होगा ना, एम ही निकालने को बोल दो, 5 की पावर m मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 हो। तो क्या ऐसे में ये चीज़ें सॉल्व वही वैसे कंपेयर करेंगे। पहली बात तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि ये टर्म निगेटिव में है, ये टर्म पॉजिटिव में, क्वेश्चन कभी ऐसे पूछेगा ही नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा, और ऐसे चीज़ में जब यहाँ पे निगेटिव होगा, अगर हम फार्मूला लगाते हैं पावर पावर वाला, पावर को ऐड करने वाला फार्मूला, तो ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके मल्टीप्लाई सिंबल पे डिपेंड करेगा, जो ऑपरेशन होगा उस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपके जो अंक होंगे, जो आपके अंक होंगे उनके सिंबल पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम सिंपल में, इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। चलो हम क्वेश्चन ले लिए, पहले देखते हैं क्या आता है आंसर, अगर हम करते हैं क्या आता है, तो हम सिंपली क्या कर लिए, -5 की पावर m + 3 कर लिए इक्वल्स टू -5 की पावर 5 हो गया ना, और m+3 इक्वल्स टू 5, तो m इक्वल्स टू कितना होगा, m इक्वल्स टू होगा 5 - 3, 5 - 3 2, m की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू 2 यहाँ से आ रही है, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ रही है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ रही है। तो चलो देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, एक मिनट इसे हटाने, हाँ m की वैल्यू 2 आ रही थी, m की वैल्यू कितना आ रही थी, m की वैल्यू 2 आ रही थी, तो हम देख लेते हैं
क्या ये सही आ रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे LHS को RHS के इक्वल कर लेना। अगर हम M की वैल्यू 2 रख पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ जाए, तो जान लीजिए कि आपका ये रूल सही है। चलो ठीक है, M की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं यहाँ पे, M की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 5 की पावर 2, M2 है ना ऑलरेडी निकाला है, मल्टीप्लाई -5 की पावर 3, -5 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस अंदर है तो इसे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये माइनस को आप एक काम करिए ना, -1 को साइड में निकाल लीजिए, ये -1 है ना बीच से, यहाँ से निकाल के साइड में निकाल लीजिए, इसे पॉजिटिव में आप कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये -1 को अभी हम फिलहाल यहाँ से निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाकी चीज़ें वहीं रहने देते हैं, बाकी चीज़ें वहीं रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब ये टर्म तो हो जाएगा, ये सेम दिख रहा है, ये आपस में ऐड होंगे इनके पावर। ठीक है, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 इंटू -1, ये आ रहा है आपको समझ में। चलिए ठीक है, ये हो गया -1 है ना। चलिए ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। अब क्या है, 5 की पावर कितना हो गई यहाँ पे, 5 की पावर 5, ये -1 है ना आपका, -1 है, 5 की पावर 5 हो गई, ये -1 है। चलिए ठीक है, आते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस को आप निकाले थे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 की पावर 5, ये आपका देखो RHS के इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सही। तो सिंपली आप दो फार्मूले और याद कर सकते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा, दो फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं आपके सामने, वो ध्यान से देखिएगा। क्या है, x की पावर m मल्टीप्लाई माइनस x की पावर n, अगर ऐसा दिया गया हो, x की पावर m मल्टीप्लाई माइनस x की पावर n, तो क्या होगा, हमें इसको नहीं, इसको बीच में नहीं देखना, ये इधर का टर्म अगर निगेटिव है इससे कोई मतलब नहीं, वो सेम जैसे पहले ऐड होता था वैसे ऐड हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इधर भी निगेटिव होना चाहिए, होगा ही, अगर क्वेश्चन होगा तो होगा ही, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, x की पावर माइनस x की पावर m प्लस n, ये भी आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, डिवाइड वाला एक बताया था आपको, डिवाइड वाला बताया था ना, एक्स की पावर एम डिवाइड बाई अगर माइनस एक्स की पावर एन है, या माइनस एक्स की पावर एन है, तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर एम माइनस एन। देखिए कुछ नहीं, जैसे इधर माइनस ऐड हुआ, इधर भी माइनस आप ऐड कर लीजिएगा, और ये जो आपका एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो आपके इस सिंबल से, ये जो आपका बीच में सिंबल मल्टीप्लाई डिवाइड का होता है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि ये वाला सिंबल। ठीक है, तो चलिए ठीक है, दो डाउट थे, शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो इस वीडियो में, अगर ना हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे। और जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी उनको कोई डाउट हो तो वो नीचे दिख रहे नंबर पे या तो व्हाट्सएप करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे उनकी सारी समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के देता रहूँगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।